नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। आज हम सभी 17वीं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर गणतंत्र की ऐतिहासिक घोषणा की थी। जिस भारत में आज हम स्वतंत्रता के सांस ले रहे हैं, उसकी नींव भारत माँ के वीर सपूतों ने रखी थी। भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस अनेकों शहीदों के नाम शामिल हैं, जो वीर अपनी माँ की गोद सुनी कर भारत माँ को गुलामी के जंजीरों से आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे गए। और आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस का परचम लहराया गया और ऐतिहासिक के पन्ने अगर पलटे जाएं तो उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। यही वजह है आज देश के हर नागरिक, हर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग गणतंत्र दिवस का परचम लहराया है। मुमरा से सटे रेती बंदर पर संविधान का स्मारक पे धूल मिट्टी पड़ी थी, जिसको लेकर आज दलित समाज के लोग, बाबा साहेब के अधिकारों को मानने वाले लोग, संविधान के स्मारक को साफ सफाई किया गया। हम जानते हैं बापू मखरे ने क्या कुछ कहा है। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रांचा। अहमदाबाद 26 जनवरी है, आज पूरे देश में खुशी का माहौल है और ऐसे में आज आप लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा होकर जो है संविधान को साफ सफाई कर रहे थे, और उसके बाद आप लोगों का क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि बाबा साहब का, और बाबा साहब ने रात दिन मेहनत, पसीना खून बहाकर इस देश का बहुत खूबसूरत प्यारा संविधान लिखा। इस देश के सभी समाज के सभी जाति लोगों को एक साथ में रखने का जो बाबा साहब ने जो घटना लिखी, हमें बड़ा दुख हुआ कि आज देश का 71वां स्वतंत्र दिन है, संविधान दिन है, और आज पूरा देश संविधान की कसम खा रहा है। और यहाँ पे अमित गार्डन जो रीती बंदर के सामने अमित गार्डन है, यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लिखा है। संविधान के साथ में ऊपर अपना देश का जो राज्य मुद्रा है, राज्य मुद्रा का यहाँ पे निर्माण है। और इतना सब होते हुए यहाँ पे जब हमारे यहाँ के जो साईनाथ नगर और रीती बंदर के जो भाई है, दलित समाज के, सभी समाज के, उन्होंने कहा कि संविधान के ऊपर पूरी गंदगी बैठ गई है, ये तो प्रशासन की जवाबदारी है कि आज स्वतंत्र दिन था और उनकी जवाबदारी है कि यह संविधान को जितना सुशुभीकरण करना चाहिए उतना उन्होंने करना चाहिए था। एक तरफ संविधान की कसम खाते हो, एक तरफ देशभक्ति की भाषा करते हो, और दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसका अपमान करने की बात यहाँ पे हमारे पूरे समाज में, ऐसे हमारे निदर्शन में आई है। यहाँ के जो हमारे भीम टाइगर जय भीम ग्रुप, बाबा बदरगे और सभी यहाँ के बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे दोस्त लोग, भाई लोग यहाँ आए और उन्हें बड़ा दुख हुआ। हमारा इतना कहना है कि आज पूरे देश में स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, देश का संविधान, इस देश का प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र का पूरा प्रशासन अगर दिन मनाता है, और यहाँ पे मुमरा में कड़वा मुमरा नाके पे यहाँ पे लिखा है आई लव मुमरा, आई लव कड़वा, उसी के सामने अगर ये बाबा साहब का संविधान है तो आज इस संविधान को दुर्लक्ष करके संविधान का अपमान किया है, बाबा साहब का अपमान किया है। इसलिए सभी यहाँ के लोगों ने, हमने इस संविधान को स्वच्छता अभियान समझकर, क्योंकि बाबा साहब का तो नाम सभी लेते हैं मगर बाबा साहब के नाम पे अगर खून बहाने करेगा तो पहला हम ही लोग आते हैं। हमारा नारा है जय भीम के नारे पे, खून बहे तो बहने दो। तो जो प्रशासन के जो अधिकारी है जिनकी लापरवाही हुई है उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी मैं एक बाबा साहब अम्बेडकर का चलोली का कार्यकर्ता करके आपके सामने पूरे आज मुमरा में देखा तो संविधान का, बाबा साहब का बैनर लगा है, संविधान के ऊपर ही वो आंदोलन चालू है। यहाँ भी देखो एक बाजू में संविधान है
दूसरे बाजू में कलवा में नाके पे अगर बाबा साहब के संविधान का अपमान होता है तो ये बहुत बड़ी बुरी बात है और प्रशासन ने इसकी दखल लेनी चाहिए। नहीं तो हम जो जो अधिकारी जवाबदार है अगर उन्होंने उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम इसका आंदोलन से जवाब देंगे। इतना ही बोलता हूँ, जय भीम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।